नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 21 जनवरी और दिन के 12:30 बज चुके हैं और अब भी हमारे यहाँ कोहरा छाया हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और हवाएं भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो दोस्तों आज इस शीत लहर में हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे, आपको दिखाएंगे हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं जो हमने सीड से लगाई थी, और साथ ही साथ जो भी किचन गार्डन में रेडी हो रहा होगा तो उनको भी आज हम आपके साथ में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे किचन गार्डन में लगे हुई ये सींगरी के पौधों के साथ में, और इनमें काफ़ी ज़्यादा सींगरी लग रही हैं। आप ये देखें, ये सींगरी हैं, हमारे यहाँ इनको सींगरी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों इनकी सब्जी जो है आलू के साथ बनाई जाती है और इनमें जब ये सींगरी आनी शुरू हो जाती है तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन, जैसे एक दिन छोड़ के अगले दिन ही इनमें ये रेडी हो जाती हैं। जैसे हमने आज तोड़ी हैं तो कल छोड़ के परसों ये रेडी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट में लगी हुई है। अभी हम जो है कल परसों ही तोड़ के लेके गए थे और इनकी सब्जी आलू के साथ में बनाई जाती है और अब भी ढेरों लगी हुई हैं तो इनको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों अगले ये लगे हुए हैं हमारे टमाटर, तो आपको दिखा दें ये टमाटर के प्लांट, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं और अब तो इनमें ना पकने भी शुरू हो गए हैं और ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और हमने इनके ऊपर जो है वुड ऐश डाल रखी है ताकि सर्दियों में इनके ऊपर कोई भी कीड़ों का अटैक ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी इनमें कई तरह के कीड़ों का अटैक हो जाता है। और ये हमारे दो टमाटर जो है रेडी हो गए हैं तो इनको आज हम तोड़ लेते हैं। वैसे तो पहले भी जब रेडी हो गए थे तो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था और उनको हमने तोड़ लिया था और बिल्कुल ये हमारे सीड के द्वारा लगाए हुए हैं और अभी इनमें ये छोटे छोटे टमाटर भी आ रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई बीज पहले निकल आता है, कोई बीज बाद में निकलता है, तो इसलिए कोई प्लांट छोटा रह जाता है और जो पहले निकल आते हैं सीड वो बड़े हो जाते हैं और उनमें टमाटर जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। और ये हमारी जो है गाजर लगी हुई हैं और गाजर भी आपको दिखा दें, ये है हमारी गाजर, तो अभी रेडी नहीं हुई हैं, थोड़ी छोटी हैं अभी। वैसे हमने अलग अलग करके लगाई थी, एक एक करके, क्योंकि जब एक साथ पटक देते हैं तो गाजर जो है ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं निकलती है। वैसे हमने ये जो है गाजर के लिए नहीं बल्कि इनके पत्तों के लिए लगाई हैं, तो इनके पत्तों को हमने कई बार हार्वेस्ट कर लिया है और दोस्तों इनके पत्तों की कड़ी बहुत बढ़िया बनती है। और यहाँ भी एक गाजर जो है छोटी छोटी सी हुई हैं, अभी हम इनको नहीं निकालेंगे बल्कि इनके पत्तों को हम हार्वेस्ट करते रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये है हमारा गोभी, तो ये गोभी है ना बढ़ नहीं रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लगी हुई है, तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और यहाँ भी हमारे टमाटर लगे हुए हैं, तो दोस्तों ये तो है ना तोड़ते टाइम ही ये दो टमाटर टूट गए हैं और ये प्लांट आपको दिखा दें इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के टमाटर हैं और ये ना इसके वजन के कारण नीचे की तरफ हो रहा है। और ये भी आपको दिखा दें ये कितने सारे एक ही प्लांट में टमाटर लगे हुए हैं। और ये लग रही है हमारी सींगरी, तो ये आप देखें ये सींगरी हैं, पूरी ही जो है ब्रांच भरी हुई हैं, तो इनको भी हम आज जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। इस तरह से इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से हाथ से ही ये टूट जाती हैं। और दोस्तों यहाँ भी ये सींगरी के ही प्लांट हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे
जो है सीड डाल दिए थे। ये है हमारा लहसुन जो कि हमने किचन से ही निकाल के लगाया है, और ये है सरसों। तो दोस्तों जब भी हरा साग बनाना होता है तो यहीं से हम सरसों तोड़ के ले जाते हैं, क्योंकि हरे साग में सरसों डाली जाती है और काफ़ी बढ़िया तरह से उग रही है। और ये भी लहसुन है हमारा जो कि हमने किचन से निकाल के ही लगाया है। और ये हो रही है हमारी मूली, तो बाकी तो हमने पहले ही हार्वेस्ट कर ली थी, और ये थोड़ी सी है ना हमने लेट उगाई थी तो ये लेट निकाली है। ये एक मूली हमने निकाल ली है, काफ़ी बढ़िया साइज की निकली है। और यहाँ भी हमने ये सरसों ही लगा रखी है। और दोस्तों इसी के पास ये है एक हमारा गोभी का फूल, आप देखें कितने बड़े साइज का हो रहा है। और यहाँ भी ये सरसों ही लग रही है क्योंकि इनमें ना गोभी लगी हुई थी और गोभी को हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो इसलिए ये ग्रो बैग खाली हो गए थे, तो इसलिए हमने इनमें सरसों डाल दी है। और यहाँ ये जो है 8-8 इंच के ग्रो बैग हैं, इनमें सभी में राजमा लगे हुए थे। अब राजमा के आपको दिखा दें, ये फलियाँ आ रही हैं और कई में तो है ना इनकी मतलब पौधों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है क्योंकि ठंड ही बहुत ज़्यादा है। और ये हमारी कुछ मटर लग रही हैं, क्योंकि वैसे तो हमने मटर के ना काफ़ी सारे बीज लगाए थे लेकिन इनमें से एक दो ही हमारे बीज जो है निकल पाए थे, पता नहीं का सीड खराब था या पुराना था, तो इसलिए ये कुछ ही मटर लग पाई हैं। और ये भी राजमा का ही प्लांट है लेकिन इसके राजमा अब थोड़े से ही लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। और दोस्तों ये हैं हमारे बैंगन के पौधे जिनमें कि हमेशा ही फ्रूटिंग होती रहती है, और अब तो ज़्यादा ठंड के कारण इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। इनके पत्ते येलो हो रहे हैं लेकिन फिर भी है ना फ्रूट तो इनमें आ रहे हैं अच्छे से, और इनको तो हम हार्वेस्ट करते रहते हैं जब भी इनमें रेडी हो जाते हैं बैंगन। और एक प्लांट ये लग रहा है बैंगन का, इसमें आपको दिखा दें ये 4-5 बैंगन लगे हुए हैं। वैसे तो छोटे छोटे प्लांट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनमें फ्रूट काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और ज़्यादा ठंड के कारण ये हमारे मिर्ची के पौधे ख़राब हो गए हैं। वैसे तो ये मिर्ची के पौधे काफ़ी पुराने हैं, लगभग इनको 2 साल हो गए हैं लगे हुए, और 2 साल से ही जो है इनमें फ्रूट आ रहे थे। और मिर्ची के पौधों को ना एक सीज़न के बाद में निकालना ही होता है, ये एक सीज़न ही जो है फ्रूटिंग कर पाते हैं, लेकिन ये हमारे 2 साल चल गए हैं। और ये हमारे जो बाद के प्लांट हैं इनमें ये मिर्ची आ रही है, और ठंड के कारण इनमें भी जो है मिर्ची कम आ रही है। वैसे तो फ्लावर बन रहे हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी है ना ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड का असर पौधों के ऊपर भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये हमारी बंद गोभी लग रही है, तो बंद गोभी में भी ये फूल बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ भी ये हमारे कुछ टमाटर के प्लांट है जो कि हमने वेस्ट डिब्बों में लगा रखे हैं, और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं सभी के सभी हमारे विंटर सीजन के जो है प्लांट। और ये हमारी जो है हरी पत्ते वाली सब्जियां लग रही हैं, ये लग रही है हमारी मेथी जिसको कि हमने कई बार हार्वेस्ट कर लिया है। और ये हमारे जो है लाइन से ब्रोकली लग रही है जिनमें अभी ब्रोकली का फूल आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाएगा जैसे फरवरी के महीने में इनमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हमारा पालक है जिसको कि हम हार्वेस्ट करते रहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी मेथी लगी हुई है, और दोस्तों इसमें हमारे जो है बीन्स लगे हुए थे लेकिन ठंड के कारण वो ख़राब हो गए हैं। वैसे काफ़ी टाइम तक हमने इनमें से बीन्स हार्वेस्ट की थी। और ये है हरा धनिया, तो हरा धनिया जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हम तोड़ ले जाते हैं। और ये है हमारा चने का साग, तो चने के साग को आप बिल्कुल हरे साग में मिक्स करके जैसे सरसों वगैरह में मिक्स करके बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की हमारी छोटी सी हार्वेस्ट, ये हमने 2 गोभी के जो है फूल को हार्वेस्ट किया है, और एक मूली निकाली है, और बाकी ये
थोड़ी सी जो है टमाटर और सिंगरी को हमने हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन और हार्वेस्टिंग कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।